बैठे हैं, कितने लोग हैं जिनकी कोई दुश्मनदारी है? गिनती के कोई दो चार होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं है। टिकटॉक चलाने वाला हर बंदा अपने आप को दुश्मनदार समझता है, ठीक है ना जी? आपने देखा टिकटॉक साथ ही आ गया, वीडियो देखी, 10 लड़के खड़े हैं, आगे एक खड़ा है, बोल रहा है शरीको, वो क्या कहते हैं, गोली नाल नहीं मारना, जला जला मारना है शरीका ने। और केड़ा शरीक भाई, क्यों अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर रहे हो कि हमारा कोई शरीक होगा? आप मुसलमान हैं, आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? लेना बीच में इसराइल का नाम, ओ बगैरत इसराइल, ओ बगैरत मोदी, हम मुसलमान नौजवान खड़े हैं, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे हम लोग, समझ आती है शरीक है, आप किसको दिखा रहे हैं? साथ वाले दोस्त को, किसको? इस चीज को रियलाइज करेंगे, आपके अंदर जो जज्बा पैदा कर रहा है वो आपके जज्बे ईमानी को खत्म कर रहा है, आपके अंदर एक गुस्सा भर रहा है फजूल का। देखे ना, आप टिकटॉक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, आप देख रहे हैं जनाब 10 बंदे 10 गाड़ियां लेके जा रहे हैं, गार्ड जा रहे हैं, ये कामयाब है। आप अंदाजा नहीं कर सकते अपनी जिंदगी से कितना बदला। आप अपने वालदैन की बात मानते हैं, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आपके घर में खाने को रिस्क है, तो आप उससे बहुत बेहतर है, अल्लाह के फजल करम से आप बहुत बेहतर है। जज्बा ईमानी यही था, यही जज्बा ईमानी था जब गजवे के बीच में सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन हो गए कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। उन्होंने ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह माजल्ला माजल्ला, वो गाड़ी में बैठ पेट्रोल खत्म हो गया, उन्होंने बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं खाया। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए, पेट मुबारक से कपड़ा उठाया, सामने पत्थर था, देखा मैंने भी कुछ नहीं खाया, ये जज्बा ईमानी था। और इस भूख की हालत में, इस भूख की हालत में हमारे सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 ने 1000 का मुकाबला किया। अब आपको मैं बताता हूँ गैरत क्या चीज होती है, गैरत हो ना तो 313 काफी होते हैं 1000 के मुकाबले में, गैरत ना हो ना 27 इस्लामी ममालिक का इतिहाद कुछ नहीं कर सकता। ये होती है गैरत, गैरत वो होती है जब मोहम्मद बिन कासिम को एक खातून इधर सिंध से या हिंदुस्तान की तरफ से लिखती है कि तुम्हारी बहन खतरे में है, तो वो लड़ने के लिए आ जाता है। हम आज बात करते हैं कश्मीर की कि क्या कश्मीरी हमारे साथ घूमना भी चाहते हैं या नहीं, ना मिले पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ भी ना मिले, वो आजाद होना चाहते हैं ना। हम बी एज मुसलमान हमारा फर्ज है कि हम उन लोगों को आजाद कराएं, क्योंकि हमारी उनसे नस्बत सिर्फ कश्मीर इंडिया या पाकिस्तान की हद तक नहीं है, हमारी उनसे नस्बत जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे। और जब जब कलमे के नाम पे हमें बुलाया जाएगा तब तक मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपना करेक्टर बिल्ड करें। आपको मैं बताता हूँ, ज्यादा हम पीछे नहीं जाते, हम सहाबा की बात नहीं करते, हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, मतलब हम मोहम्मद बिन कासिम की भी बात नहीं करते, खालिद बिन वलीद की भी नहीं करते, टीपू सुल्तान बनाए उससे पहले किसी बड़े वली की या किसी बादशाह की भी कहानी नहीं सुनाता। मैं आपको सिर्फ एक भिखारी का सुनाता हूँ, मांगने वाले जिन्हें आप गदागर कहते हैं, वो जी बैठा हुआ था मुसलमान बादशाही मस्जिद के बाहर, एक अंग्रेज आया, चढ़ने लगा सीढ़ियां, उसका जनाब वॉलेट गिर गया, गदागर था, उसने देखा, उठाया वॉलेट, आवाज दी, अंग्रेज ने सुना नहीं, अंदर चला गया, बाहर बैठ गया कि जब बाहर आएगा फिर दे दूंगा। बहरहाल इस तरह हुआ कि या तो अंग्रेज को उसे जाते नजर नहीं आया या वो किसी उत्तर वाले से निकल के चला गया। साल गुजर गया, इस बात साल बाद वही अंग्रेज दोबारा आया, ये गदागर उठा, जाके कहा मियां जरा यहाँ 2 मिनट रुकना, मुझे तुमसे काम है, रुको मैं आता हूँ। भाग के घर गया, वॉलेट लेके आया, उसको दिया, अंग्रेज वॉलेट देखना शुरू हो गया, वॉलेट देखने के बाद भिखारी को देखना शुरू हो गया, सुनकर मियां पैसे गिन लो पूरे हैं, जो तुमने छोड़ के गए थे वही है, मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा जात के तुम गदा करो, मैं ये नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ जात के तुम गदा करो और इतना ईमानदार। उसने कहा बेटा ईमानदारी की कोई बात नहीं है, मसला ये है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, कल को रोजे मैशर कहीं तुम्हारे नबी ने मेरे नबी से गिला कर दिया कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती के साथ ये किया था, तो मैं किस तरह रोजे मैशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाऊंगा। ये होता है करेक्टर, मुसलमान का करेक्टर।